साला मुंशी सबसे बड़ा चूतिया है, साले कामचोरों की तरह बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, साले सब कामचोर। मुंशी काम क्यों नहीं कर रहे हो? सब लोग साले बैठे हो यहाँ पे, मुंशी हो तुमको इतना दिमाग होना चाहिए, लड़के भी सब बैठे हैं। बाबू दो दिन से कुछ खाया नहीं, लड़के सारे भूखे पड़े हुए हैं। हमारा सेठ तू इतना हरामी है, काम कितना तेजी से हो रहा है यहाँ पे, उसका सेठ हिसाब करता है, कभी हम लोगों के लिए पूछता है खाना पीना? दो दिन से कुछ खाया नहीं। जब मैंने तुझसे कहा था कि जब तुम लोग को भूख लगे तुम वहाँ चले जाओ, मिलन के यहाँ चले जाओ, पानी पीना हो चाय पीना मिलन के यहाँ जाओ, यहाँ क्या करते हो तुम लोग? भाव वहाँ पे जाता हूँ थाले खिलाना तो दूर, उल्टा थाले बर्तन धुलवाने लगते, जेब हम नंगा करके पूछते दे, भगा देते, पूछो इससे इससे पूछो, सही बात है ना? जब मैंने तुझको पैसा दिया था वो दुकान वाले दिया था कि नहीं? भाव इससे पैसा भी छोड़ लिया, उसके बाद बर्तन धुलवाया, उसके बाद झाड़ू भी लगवाया अपने दुकान का। अच्छा ठीक है, कितना रुपया बाकी उसका? जाके हिसाब करके आओ, बैठा लेगा तुम्हारा, मारेगा 11 दिन बाद, उसके बाद भी उधारी नहीं खत्म होगा। मेरे साथ चल, चल उसका हिसाब करवाता हूँ। हिसाब क्या करोगे? ये देखो इधर, इधर देखो कितना तेजी से काम हो रहा है, तुम्हारा दुकान देखो, इधर आओ, इधर आओ, पहले तुम इधर आओ। ये देख गर्दा निकल रहा भाऊ। बस साले यहाँ महीने बाद लगन चालू है, लगन चालू है, लगन में सब बिकेगा नहीं, तुम लोग काम नहीं करोगे लगन में, मैं क्या कस्टमर को मुंह दिखाऊंगा? यहाँ से देख, पिछले 3 साल का गर्दा लगा हुआ, कोई कस्टमर आता है इधर? भूख से हम लोग मरते हैं। तुम लोग काम नहीं करोगे, ऐसे काम चोरों की तरफ बैठे रहोगे, कैसे कस्टमर आएगा? काम चोर नहीं बोलने का मालिक, काम चोर बोल रहा है, काम चोर बोल रहा है। ऐसा नहीं देता, चलो अभी दुकान पे लेके चल रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहो, मैं इसको दुकान पे आऊंगा, हाँ बर्तन धुलाएगा।